आसान आजिन आप देख रहे हैं फिक्स ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट का पहला दिन किस टीम के नाम रहा, किस टीम की डोमिनेंस नजर आई, इंग्लैंड की टीम ने किस हद तक रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को, आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हां नाज़िम, कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया। बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हुई, बैट एंड बॉल के दरमियान बड़ा इवन कंपटीशन नजर आया। दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा पावर शो पुट किया, दोनों टीमों की तरफ से बहुत अच्छी फाइट नजर आई। इंग्लैंड ने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई थी, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग भी को बहुत ज्यादा बुरी नहीं कही। दोनों टीमों की तरफ से अच्छा कंटेस्ट नजर आ रहा था, दोनों टीमें के प्लेयर्स बहुत ज्यादा जान मारते हुए नजर आ रहे थे। अगर हम स्टार्ट से डे को देखना शुरू करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीता एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और यह फैसला किसी हद तक सूटेबल भी रहा। लाइक एज अर्लियर बड़ी जल्दी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर को, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर है या अंदर नंबर 3, 4, 5 तक के जो प्लेयर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे सीरीज में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम को काफी हॉन्टिंग नजर आ रही है। लाइक उस्मान ख्वाजा बिल्कुल जल्दी आउट हो गया, चौथे ओवर में उनकी विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड ने ली। स्टुअर्ट ब्रॉड की ये 599 विकेट थी टेस्ट क्रिकेट कैरियर में। एंड देन उसके बाद डेविड वार्नर को क्रिस वोक्स ने आउट किया। ऐसा नहीं है कि ये जो विकेट्स गिर रही हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये बिल्कुल ही नहीं संभल पा रहे विकेट पे, ये अपना टाइम पूरा लेते हैं, 30-35 रन भी कर जाते हैं लेकिन अपनी इनिंग्स को लिंगर ऑन नहीं कर पाते। एक बार विकेट पे सेट हो गए, विकेट थ्रो कर जाना वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। लाइक डेविड वार्नर ने 32 रन बनाए और 38 बॉल्स खेली, यानी वो क्रीज पे किसी ने इसी हद तक तो स्टे कर रहे थे। उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई लघुशयन के साथ, कुछ 40-50 रन की पार्टनरशिप हुई उनकी। लघुशयन के लिए यह टेस्ट मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज पिछले 3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन वो भी 50 बना के आउट हो गए, 51 रन उन्होंने स्कोर किए। लेकिन नो डाउट उनका इस सीरीज का यह पहला 50 था। हालांकि लघुशयन जिस तरह के बैट्समैन है उनकी कन्वर्जन रेशो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस सीरीज में वो बहुत ज्यादा डाउन नजर आ रहे थे। स्टीव स्मिथ के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, 60-65 रन की। स्टीव स्मिथ भी 40 में गए और अपनी विकेट दे गए, यानी स्टीव स्मिथ, लघुशयन, उस्मान ख्वाजा ने एक आधी इनिंग स्टार्ट में अच्छी खेली, एंड देन उसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी पहले मैच में आई थिंक 100 किया था, लेकिन उसके बाद इन 4 प्लेयरों का टोटल कंपेरिजन किया जाए ना तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं नजर आ रही। देन ट्रैविस हेड वो भी 40 की लाइन में गए, 48 किए, बट उन्हें आउट किया स्टुअर्ट ब्रॉड ने। यस, ब्रॉड के करियर की 600वीं विकेट थी, यानी 600 विकेट्स स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में मुकम्मल कर चुके हैं। इट्स रियली एंड ड्रीम अचीवमेंट फॉर स्टुअर्ट ब्रॉड, बिकॉज देखें कहां से स्टुअर्ट ब्रॉड चले, जब उन्हें 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। मैं कहता हूं अगर वहां पर पाकिस्तानी होता ना और उसे 6 छक्के पड़ते, उसे उसके घर वालों ने निकाल देना था, यार तू हर जगह मरवाता है। लेकिन देखें एक डाउन फॉल से उन्होंने किस तरह खुद को निकाला, एंड देन 600 विकेट ली उन्होंने अब टेस्ट क्रिकेट में। इट्स रियली एंड रिमार्केबल अचीवमेंट। लाइक दूसरे फास्ट बॉलर बने दुनिया की हिस्ट्री में जो 600 विकेट लेने में टेस्ट क्रिकेट में कामयाब हुए। इससे पहले रिकॉर्ड उन्हीं के हमवतन जेम्स एंडरसन के पास था, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2020 में ये रिकॉर्ड अचीव किया था। रिसेंटली जेम्स एंडरसन की 688 विकेट और वो 700 विकेट के मुकम्मल करने के बड़े करीब हैं। लाइक इसमें मेन चीज है सिस्टम की, सिस्टम जो प्लेयर्स को सपोर्ट करता है। अगर एक प्लेयर का डाउनफॉल है, अगर प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको कॉन्फिडेंस देंगे, उसको बकायदा उसकी सपोर्ट होगी एंड मोटिवेट करेंगे, देन वो परफॉर्मेंस देगा अल्टीमेटली वन डे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नजर आई स्टुअर्ट ब्रॉड के करियर में, कि वहां पर उन्होंने कहां से डाउनफॉल से आगाज किया और वो अब 600 विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं। बट ऑन द अदर एंड क्रिस वोक्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उन्होंने लाइक अर्ली ऑन डेविड वार्नर को आउट किया, एंड देन स्टीव स्मिथ उसके बाद बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही, उन्होंने 4 विकेट ली। बिल्कुल बड़ा अमेजिंग स्पेल था, 299 रन पे अब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, 8 विकेट गिर चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की। दोनों टीमों ने अच्छा ही खेला, ऑस्ट्रेलिया ने भी 300 रन बना लिए, इंग्लैंड ने भी 8 विकेट ले ली, यानी इवन कंपटीशन नजर आया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इनिंग्स तो नजर आई, उनके बैट्समैन सेट तो हो रहे थे लेकिन कोई बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाया। लाइक मार्श ने भी 50 बनाई, पहली बार मार्श अपनी 50 को 100 में इंग्लैंड के अगेंस्ट कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो लेट्स सी दूसरे दिन की गेम कैसे होती है, बिकॉज दूसरे दिन में इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लैंड की टीम की, आते साथ विकेट्स लें, अपना ये 2 विकेटें जो रह गई उसको एज सुन एज पॉसिबल वो ले लें, एंड देन अपना रन को लीड को खत्म करने की कोशिश करें। तो लेट्स सी क्या बनता है दूसरे दिन, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पांडवा।